का बहुचाई का हाल बा नमस्कार दोस्तों, रंजना वेजफूड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बनने वाला है यार रंजना वेजफूड में कच्चे आम का बहुत ही टेस्टी और क्या कहते हैं लूक से बचने का आम के पना। और आम का पना गर्मियों को लू से बचने के लिए बहुत रामबाण का काम करता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे पना बनाएंगे। सबसे पहले आम को तोड़ लेते हैं, चलते हैं आम के बगीचे में। अश्री क्या कर रही हो? अश्री क्या कर रही हो बोलो। और यहाँ से हम लोग तोड़ेंगे। पक्का हो गया? हुआ ऐसे तुम भी बीनो, देखो अस्सी पका हम खा रहे थे। अस्सी की ऊपर मिल गई पक्का। देखो इतना आम तोड़ा जा चुका है। देखो ये चोपी दिखाते हैं सबको, ये देख ये डेंजरस वाला सीजन चल रहा है ना, ये चोपी है। देखिए चोपी अस्सी के मुंह में लग गया है, ऐसे दिखाओ बेटा। तो ये देखिए ये हो गया, ये है चौकी। अब लेके चलते हैं घर पे, तो बना के खाते हैं। चलो अभी चलते हैं। चलो जी आ जाओ इधर। हम लोग इकट्ठा कर लिए ये पाती पाती के जरिए, पाती से ही भेजे गए हमको। ये रखे हुए हैं और आम की थोड़ा सा जगह इधर बना ले रहे हैं और आम को रख रहे हैं। आम का क्या बनेगा आज? बनेगा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। और ये जो लूक चल रहा है ना, लूक से बचने के लिए आज बनेगा आम का पना। तो पना बनाने के लिए सबसे पहले आम को ऐसे ही अभी हम ढक दे रहे हैं। ढको तो जला लीजिए। आग देखिए यहाँ पर जल चुका है, अब इसमें आम को भुना जा रहा है। सब लोग देखिए दूर दूर खड़े हो गए हैं। उधर आर्या है, अब बाकी का जो आम है इससे हम बनाएंगे मुरब्बा, इसे गुरम्मा बोलते हैं। सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो और आम का पना बन रहा है और आम का मुरब्बा, इसीलिए आम को हम जो है छील रहे हैं। ले रहे हैं कि आम की स्थिति क्या है। तो ये देखिए आम की स्थिति ये है कुछ इस तरह से। और बाकी का भी नहीं जला हुआ है, इसे पलट लेते हैं आम को। इसे रात से पहले ढक देंगे। फिर से हम लोग आ गए आग के पास और इसे भी अलग कर रहे हैं। ये देखिए देखेंगे कि आम हुआ कि नहीं, लगता अभी हो गया है। हाँ बहुत अच्छे से गया है। देखो भाई भूज गया है। हाँ भूज गया है, देखो भाई भूज गया है बहुत अच्छा से और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। ये देखिए हो गया पूरा पूरा।
तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आम पक गया है। तो सबसे पहले आम को धुल लेते हैं। इधर हम भगोने में पानी ले लिया, फटाफट से रख ले रहे हैं। ये मेरा अभी आप लोग देख सकते हैं कि काफी अच्छे से आम हुआ है, चला नहीं है, एकदम अच्छे से हुआ है। सबको धो लेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम छिलका उतार लेंगे, काफी गर्म है ये देखिए। ये इसी तरह से सभी हमको छिलके से उतार देंगे। ये देखिए ऐसे, इधर हमने सारे छिलके से हमको बाहर निकाल दिया है। ये देखिए बहुत अच्छे से पका हुआ है। अब इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा पानी। पानी में इसे हम मसाले ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके और डाल देंगे। सभी आम को निचोड़ लिया है, ये देखिए इस तरह से गुठली पड़ चुकी है। तो एक देखो भौजाई आ गई है, भौजाई। और क्या भौजाई का हाल बा? का हो तुम बा? का हो गिरे सामान मान ले, का सामान ले दिखाओ ने, उठलाली लगाई के, उठलाली लगाई के देखा, उनका दिखाओ बरा लगाया लिपस्टिक जिले ला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टाप लागिल टाप लागे वही गए लिया पत करके खिस्सा करी तो हम नहीं कहा जा सकती है चल ठीक है तो छपा कर तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं भुना हुआ जीरा काला नमक थोड़ा सा मिर्च। ये मिल गया। आइए दोस्तों ये देखिए हमारा पना भोग बन के एकदम हो गया है तैयार। और दो लोग हैं इधर तैयार पीने के लिए ना। तो इसमें लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा सादा नमक ये एक चम्मच। ये देखो सब लोग तैयार हैं पीने के लिए। सबसे पहले अस्सी को देंगे, अस्सी लाओ गिलास। एकदम देसी आम के बगीचे में आम का पना, अब पियेंगे हम लोग। कैसा आ रहा है अस्सी? ये पहले पी लो तब उसके बाद बताओ कैसा आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो हल्दी हल्दी पी डालो और है लोग पियेंगे सब लोग। तो आप सबको ये पना बनाना कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी यहाँ पर जो है हम भी पना पी रहे हैं, क्योंकि जो है पना हमारे बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसको जरूर पीना चाहिए। तो हम भी पी करके टेस्ट इसका बता दें कैसा बना हुआ है। बहुत ही अच्छा आ रहा है दोस्तों, ज्यादा खट्टा नहीं है, क्योंकि आम जब भून देते हैं ना तो उसका खट्टापन दूर हो जाता है। तो अच्छा आ रहा है, तो एक गिलास हम भी पियेंगे।